सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, मनप्रीत और जसप्रीत दोनों के दोनों पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है उनकी 3:2 है। तो मनप्रीत और कौन है, जसप्रीत दोनों पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनकी, 3:2 है। लिखा है दे डिसाइड वो करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2015 से कि जो प्रॉफिट शेयरिंग लॉस है वो क्या करेंगे, इक्वल बांट लेंगे। मतलब ये क्या है उनकी ओल्ड रेशियो है और फ्यूचर में वो न्यू क्या के सोच रहे हैं कि भाई न्यू हम कैसे करेंगे, इक्वल ट्रीट करेंगे। लिखा है ऑन दिस डेट प्रॉफिट जो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है वो दिया है 1 लाख इन जनरल रिजर्व। मतलब 1 लाख कहाँ दिया हुआ है, जनरल रिजर्व के अंदर पैसा दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है। और ये क्या कहते हैं, जसप्रीत वाज ओपिनियन, जसप्रीत कहता है भाई ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि इसको पैसे कम मिलेंगे ना, 3:2 है तो इसको 2 हिस्से मिलेंगे, इसको 3 हिस्से मिलेंगे, इसलिए जसप्रीत क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है के सुड जो क्रेडिट किया जाना चाहिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो इस अकाउंट अमाउंट को, और कैसे कर दो इक्वल, क्योंकि इसको फायदा हो जाएगा, अब तो इक्वल मिलेंगे, पहले 3:2 हिस्से मिल रही थी। तो मनप्रीत कहता है, ओपिनियन देता है कि ये शुड बी क्रेडिट जो कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा वो हमारी ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है उसमें किया जाएगा। जसप्रीत इस बात से एग्री कर देता है जो मनप्रीत के द्वारा व्यू रखा गया। तो एक्सप्लेन करो आर्ग्यूमेंट कौन सा रखा होगा मनप्रीत के द्वारा जिसको जसप्रीत ने एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई अगर हम बात करें ये जो 3:2 था किसके बीच में, मनप्रीत और जसप्रीत के बीच में, जो 1 लाख का जो ये जनरल रिजर्व के अंदर अमाउंट है ये पुराना जो बिजनेस चल रहा था उसका प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि ये नया प्रॉफिट है। तो पिछले जो आपकी रेशियो है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न है, तो हम आपको इक्वल रेशियो में नहीं बांट सकते, फ्यूचर में बांट सकते हैं लेकिन आज तो नहीं बांट सकते क्योंकि ये तो पुराना प्रॉफिट है। तो हमें किस रेशियो में बांटना चाहिए, इसको ओल्ड रेशियो के अंदर ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको फ्यूचर न्यू रेशियो में ट्रीट करना चाहिए। न्यू रेशियो में तब करेंगे जब हमने एग्रीमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट अर्न किया हो, लेकिन ये तो पहले का रिजर्व है इसलिए हम किसको डील किस में करेंगे, 3:2 में डील करेंगे। और इसकी एंट्री क्या बना देंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से, और 2 क्या करेंगे, 2 मनप्रीत कैपिटल अकाउंट और 2 जसप्रीत कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 3:2 में। 3:2 कितना हो जाता है, 5, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, किससे, 20, तो इसको कितने चले जाएंगे, 60,000, और इसको कितने चले जाएंगे, ये 40,000। तो ये एंट्री आप पास कर दोगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।